ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, सावधान शनिदेव, सावधान राहु, भगवान विष्णु के भक्तों पर प्रहार करने से पूर्व आज की घटना का सदा स्मरण रखना, ये मात्र एक चेतावनी है। जगदीश्वर भगवान विष्णु के परम भक्त, पृथ्वी सम्राट प्रियव्रत तथा साम्राज्ञी बहिष्मति भक्त वत्सल विष्णु की कृपा से आप पर आया भयानक संकट टल गया। अब मुझे आज्ञा दें। ओम नमो नारायण। सम्मत कथन से विचलित प्रियव्रत परम पिता ब्रह्मा से निर्देश पाकर अपनी तपस्या का त्याग करता है। शुभ मुहूर्त में प्रियव्रत बहिष्मति एवं उत्तानपाद सुनीति का शुभ विवाह संपन्न होता है। पुत्रों के विवाह के पश्चात मनु व शतरूपा वानप्रस्थ स्वीकार कर अपना जीवन जप तप व्रत को समर्पित करते हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आह्वान पर असुरों का दल भयानक विस्फोट के साथ पृथ्वी पर प्रकट होकर विभिन्न स्थानों पर ऋषि मुनियों को अपने अत्याचारों से पीड़ित करता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। असुर वीरों, यही है पृथ्वी लोक पर विष्णु भगत दुष्ट मनु, समाप्त कर दो इसे, चलो। ये विधि का विधान है असुरों,
किसी भी तपस्यारत व्यक्ति की रक्षा उसकी तपशक्ति तथा भगवान विष्णु करते हैं। हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे दुष्ट मायावी। सावधान असुरो, मेरा पुत्र पृथ्वी सम्राट प्रियव्रत तुम्हें तुम्हारे अपराधों का निश्चित दंड देगा, अवश्य देगा। नमो नारायणाय। तुम्हारे मुखमंडल के भाव बता रहे हैं कि हमारी प्रजा पर कोई संकट उत्पन्न हुआ है। जी सम्राट। निसंकोच अपनी बात कहो। सम्राट, पाताल लोकवासी अनेक दैत्य भयानक विस्फोट करते हुए पृथ्वी लोक पर प्रकट हुए हैं और पृथ्वीवासियों पर अत्याचार कर रहे हैं। क्या हमारी सेना उन पाताल वासियों के अत्याचारों को रोकने में असफल रही? उत्तर दे सेनापति विश्व घोष, क्या हमारे परमवीर सैनिक उन दुष्ट असुरों के सम्मुख पराजित हुए? सम्राट, शक्तिशाली असुरों के अचानक आक्रमण कर देने से ऐसा संभव हुआ है। वास्तव में उनका लक्ष्य पृथ्वीवासी नहीं अपितु जप तप व्रत के अभियान को नष्ट करना है। इसी कारण वो धर्मात्माओं, ऋषि मुनियों और पृथ्वीवासियों पर अत्याचार कर रहे हैं। अर्थात वे असुर पृथ्वी से धर्म नष्ट करने के इच्छुक हैं। जी सम्राट। मैं महाराज मनु का पुत्र पृथ्वी सम्राट प्रियव्रत ये प्रतिज्ञा करता हूं कि न्याय, अत्याचार और धर्म का नाश करने वाले पाताल वासी असुरों को समाप्त कर धर्म की स्थापना और पृथ्वी लोक पर सुख शांति स्थापित करूंगा। शक्ति साधारण पृथ्वीवासियों से पराजित हो गई। उत्तर दे दैत्य सेनापति, तुम्हारी यह दुर्दशा साधारण मनुष्यों ने की है। दैत्य शक्ति को कलंकित करने वाले दैत्य सेनापति, तुम्हें जीवित रहने का भी अधिकार नहीं है। अपनी शक्ति का दम भरने वाले दैत्य सेनापति, तुम्हारी यह भयानक दुर्दशा
साधारण मनुष्यों ने की है। असुरों की दुर्दशा साधारण मनुष्यों ने नहीं की, अपितु हमारी दुर्दशा आपने करवाई है। क्या कह रहे हो असुर सेनापति? सत्य कह रहा हूं दैत्य गुरु, सत्य है। आपने पाताल लोक में विश्राम कर रहे असुरों को उत्तेजित कर पृथ्वी सम्राट प्रियव्रत के द्वारा उनका सर्वनाश करवा दिया। आप दैत्य गुरु नहीं, दैत्य शत्रु हैं। दैत्य जाति के विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं आप। देवताओं से मिलकर असुर जाति को समाप्त करने के इच्छुक हैं आप। अपनी सीमा में रहो असुर सेनापति, अन्यथा। अन्यथा क्या कर लेंगे आप? अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग कर मेरे प्राण हरण कर लेंगे ना? इतनी प्रताड़ना और अपमान के पश्चात मैं स्वयं जीवित रहने का इच्छुक नहीं। अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करें, जिससे भविष्य में असुर ये जान ले कि आप दैत्यों के हित चिंतक नहीं, शत्रु हैं, शत्रु। तुम जीवित रहने के भी योग्य नहीं हो सेनापति, किंतु मैं तुम्हें मृत्यु नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक असुरों की उपेक्षा और परिहास का केंद्र बने रहोगे कि तुम साधारण मनुष्यों से पराजित हो गए, और भविष्य में मैं तुम्हारा ही उल्लेख कर असुर जाति को पृथ्वीवासियों के विरुद्ध उत्तेजित करने में सफल रहूंगा। जाओ, अपने इन भीरू सैनिकों के साथ पाताल लोक लौट जाओ। तुम पाताल के अंधकार में ही जीने के योग्य हो। जाओ, लौट जाओ। जाओ, अपने इन भीरू सैनिकों के साथ पाताल लोक लौट जाओ। तुम पाताल के अंधकार में ही जीने के योग्य हो। जाओ, लौट जाओ। शनिदेव, शीघ्र प्रकट हो शनिदेव, दैत्यों का भविष्य संकट में है शनिदेव। शनिदेव, आपकी सहायता की आवश्यकता है। शीघ्र प्रकट हो। सहायता करें शनिदेव, ये समय अट्टहास करने का नहीं है, अपितु असुरों की भयानक पराजय में दुखी होने का है। मनुपुत्र, प्रियव्रत के प्रहारों ने असुर शक्ति को छिन्न भिन्न कर पाताल में रहने को विवश कर दिया है। अट्टहास तो शनिदेव की नियति है दैत्य गुरु शुक्राचार्य। असुरों के इस पराजय से आपका सत्य से तो परिचय हो गया ना दैत्य गुरु? किस सत्य की बात कर रहे हैं आप शनिदेव? इसी सत्य का कि शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त किए बिना असुर शक्ति तुच्छ और साधारण मानवों से भी पराजित हो गई। आपकी योजना धराशायी हो गई शुक्राचार्य। कैसी योजना शनिदेव? दैत्य सेनापति राहू, तुम्हारे परम पूज्य दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने सोचा था कि वे शनिदेव और तुम्हारी कृपा प्राप्त किए बिना पृथ्वी असुरों के अधीन करवा के अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करेंगे। किंतु हमारी कृपा के बिना इन्हें अपनी खोखली शक्ति का आभास हो गया। यह सत्य है शनिदेव। मैं सोच भी नहीं सकता था कि पृथ्वी पर असुरों की ऐसी भयानक पराजय हो सकती है। साधारण मनुष्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए मैं आपको कष्ट कैसे दे सकता था शनिदेव? शनिदेव,
ये समय आपसी वाद विवाद का नहीं, अपितु शत्रुओं को उनके दुस्साहस का दंड देने का है। तुम ठीक कहते हो राहू, हमें अपने शत्रुओं को अपनी भयानक मारक शक्ति और कुदृष्टि का आभास करवाना ही होगा, अन्यथा संसार, दैत्य गुरु शुक्राचार्य वे और दैत्यों के साथ हमें भी पराजित समझेगा। मैं पराजित नहीं हूं शनिदेव। आपके शिष्य तो पराजित हैं। शिष्यों की पराजय आपकी ही पराजय है दैत्य गुरु शुक्राचार्य। किंतु अब आप निश्चिंत रहें, मैं उस दुष्ट शत्रु प्रियव्रत को जीवित नहीं छोड़ूंगा, सदा सदा के लिए नष्ट कर दूंगा। लंबे समय के पश्चात किसी विष्णु भक्त को समाप्त करने का अवसर मिला है। शनिदेव, इस शुभ कार्य में मैं भी आपकी सहायता करूंगा। सहायता की आवश्यकता नहीं है राहू, तुम केवल मूक दर्शक बने, हमारी विस्फोटक शक्ति का प्रदर्शन देखना। ना जाने मेरा ये कौन सा दुर्भाग्य है शनिदेव, असुर मुझे दैत्य विनाशक समझने लगे हैं और आप जैसे परम हितैषी मित्रों को मुझ पर विश्वास नहीं है। उद्विग्न ना हो दैत्य गुरु शुक्राचार्य, अभी भी हमें आपकी मित्रता प्रिय है। प्रियव्रत के अंत के साथ ही असुरों को भी यह विश्वास हो जाएगा कि आप ही उनके सच्चे हितैषी हैं। चलो राहू। शत्रु असावधान है, विष्णु भक्ति में लीन है, हमारा कार्य और अधिक सरल हो गया। राहु, यदि असावधान ना भी होता तो भी मेरी कुदृष्टि से नष्ट हो जाता। शनिदेव, इस दुष्ट दैत्य शत्रु के मस्तक पर अपने अस्त्र से प्रहार करें। मैंने तुमसे कहा था ना राहू कि तुम केवल मूक दर्शक बने, मेरी भयानक शक्तियों का प्रदर्शन देखना। और इस तुच्छ मानव के लिए तो मेरी कुदृष्टि ही पर्याप्त है। मैं अपनी कुदृष्टि से इन दोनों को क्षण भर में भस्म कर दूंगा। अमोघ अस्त्र, जगदीश्वर की जय हो। आज्ञा प्रभु। अमोघ, प्रियव्रत हमारा परम भक्त है, ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना को पूर्ण करने के लिए उसे कई महान कार्य करने हैं, उसकी रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सदा तत्पर रहने वाले जगदीश्वर, आप निश्चिंत रहें, आपकी कृपा से प्रिय व्रत का तनिक भी अनिष्ट नहीं होगा। ओम नमो नारायणाय।
सावधान शनिदेव, सावधान राहु, भगवान विष्णु के भक्तों पर प्रहार करने से पूर्व आज की घटना का सदा स्मरण रखना, ये मात्र एक चेतावनी है। जगदीश्वर भगवान विष्णु के परम भक्त पृथ्वी सम्राट प्रियव्रत तथा साम्राज्ञी बहिष्मती भक्त वत्सल विष्णु की कृपा से आप पर आया भयानक संकट टल गया। अब मुझे आज्ञा दें।